सब्सक्राइब कीजिए निर्मला की रसोई और बाग बगीचा चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए गुलाब के शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाब का शरबत बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे शरीर को, दिमाग को बहुत ही ठंडक देने वाला होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। कई इस रेसिपी को कैसे बनाई जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाब का शरबत बनाने के लिए हमने 30-35 गुलाब के फूल ले लिए हैं। गुलाब का फूल खरीदते समय आप ध्यान रखिए कि आपको देसी गुलाब ही लेने हैं, क्योंकि देसी गुलाब में खुशबू बहुत अच्छा होता है। और इसकी पंखुड़ियों को हमने इसके हरे डंठल से निकाल के अलग कर लिया है। तो अब हम इस गुलाब की पंखुड़ी को एक जालीदार बर्तन में डाल करके नल के नीचे अच्छे से साफ कर लेंगे। तो हम नल के नीचे इसे साफ कर लेते हैं और हमें ध्यान रखना है कि मसल मसल के और बहुत ज़्यादा पानी में नहीं डालना है, नहीं तो हमारे गुलाब के फूलों से उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, कम हो सकती है। तो हमें इसे हल्के हाथ से ही धोना है। तो हमने गुलाब धो लिया है और इसके पानी निखार लिया है अच्छे से। और अब हमने एक ग्राइंडिंग जार लिया है और उसमें हम ये गुलाब की पंखुड़ियों को डाल करके इसे एक कप पानी के साथ अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा ये ग्राइंड हो भी चुका और आप देख सकते हैं इसे हमने कितना बारीक पीसा है और एक स्ट्रेनर की सहायता से हमने इसे स्ट्रेन कर लिया है और एक सर्विंग स्पून लिया है जिसकी हेल्प से इसे दबा दबा के हम इसका सारा रस निकाल लेंगे भगोने के अंदर। और ऊपर से हम थोड़ा और पानी डाल लेंगे, वो ग्राइंडिंग जार है उसी में पानी डाल के हमने इसको धो के निकाल लिया ताकि उसमें भी जो लगा है गुलाब वो भी निकल आए। और इसको खूब अच्छे से हम दबा दबा के स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि गुलाब का सारा अर्घ बाहर निकल आए और ये जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसे हम किसी पेड़ पौधे में, गमले में डाल देंगे, ये अच्छा कंपोस्ट बन जाएगा। तो अब हमारा सारा गुलाब का रस निकल चुका है। तो हमने गैस ऑन करके इस बर्तन को रख दिया है गैस पे। इस समय हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। हम इसे चीनी डाल दिए हैं, इसमें हम 250 ग्राम चीनी डाले हैं फ्रेंड। और इसे हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे, ज़्यादा तेज आंच पे हमें नहीं पकाना है, नहीं तो गुलाब की जो खुशबू है वो उड़ जाएगी। ज़्यादा तेज आंच पे हमें धीमी धीमी आंच पे ही इसे पकाना है अच्छे से, 8-10 मिनट तक ये पकेगा। और हमें तब तक पकाना है फ्रेंड्स जब तक कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। हमें शहद जैसा इसे, शहद की उतना नहीं लेकिन थोड़ा सिरप जैसा इसे हो जाना है। तो 8-10 मिनट पका लिया है मैंने और इसमें हमने कलर डाल दिया है लाल रंग, ताकि इसका कलर बढ़िया रूह अफजा की तरह हो जाए। जैसे कि हम बाहर से रूह अफजा मार्केट से लाते हैं तो उसका कलर बहुत प्यारा होता है, क्योंकि वह बिना कलर डाले अच्छा नहीं लगता देखने में। तो जिसके हम सर्व करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो हमारा रूह अफजा रोज़ का शरबत बन करके तैयार है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि हमारा शरबत कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। कोई भी इसे नहीं कहेगा कि ये घर का सब बना हुआ शरबत है, ये बिल्कुल हाइजीनिक बना है। और हम अपने फैमिली को थोड़ी सी मेहनत से हाइजीन, बढ़िया हेल्दी शरबत मिल सकता है तो हम इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। और अब हम इसमें खुशबू के लिए वाइट रोज़ वाटर डाल देंगे। ये एक ढक्कन डाला है हमने, कम से कम 10 ml। और हमारा शरबत बिल्कुल बन करके तैयार है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ग्लास में बर्फ़ डाल लिया है, आपको जितना ठंडा पीना हो अपने पसंद के अनुसार उतना बर्फ़ डालिए। और उसमें रोज़ सिरप डाल लीजिए, रोज़ सिरप भी आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके ऊपर आप ठंडा पानी डाल सकते हैं और हमारा रोज़ का सिरप जो है शरबत बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप अपने फैमिली को, बच्चों को ये शरबत ज़रूर पिलाइएगा, बनाइएगा, पीजिएगा, पिलाइएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बगल में दी हुई लेटेस्ट वीडियो को जरूर देखिए।